बच्चों, आज हम ड्राइंग सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं स्टील लाइफ, उसका पार्ट वन देखेंगे। सिर्फ पेंसिल वर्क करना है पार्ट वन में। उसमें हम बनाएंगे घर में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले बर्तन। उसके लिए जो आर्ट मटेरियल लगेगा वो है पेंसिल, स्केच पेन और रबर। सबसे पहले पेपर के हिसाब से बड़ा दिखे ऐसा ड्राइंग शुरू करना है। एक पेपर पे आपको कम से कम 5 या 6 चीज़ें बनानी है। इस तरह उसको एक पेपर पे अरेंज करना है। देखो यहाँ पे बकेट, मग, पानी की टंकी बनाई हुई है, ये पतीला बनाया हुआ है। इस तरह सबसे पहले पेंसिल से हल्के हाथ से, देखो यहाँ कुकर बनाया है, पानी का ग्लास बनाया हुआ है। पूरा होने के बाद उसको स्केच पेन से बॉर्डर करनी है इस तरह। ये अपना पहला ड्राइंग हो गया। वैसे ही आपको दूसरा भी करना है, वो भी पेंसिल से ही। ये देखिए दूसरी चीज़ें घर की, पानी का जग, कुछ अलग अलग आकार के छोटे बड़े चम्मच। देखो कलसी, हंडा, कटोरी, बहुत सारी चीज़ें होती है घर पे, उसको आप सामने रख के उसको देख के बना सकते हो। झारा, ये भी पूरा होने के बाद आपको उसको स्केच पेन से बॉर्डर करनी है। ये देखो कुछ इस तरह, ये भी ड्राइंग बन जाएगा। कम से कम 2 पेपर पे आपको इस तरह के अलग अलग बर्तन बनाने हैं। इसी के ताल्लुक से एक वीडियो भी है, वो भी आप देख लीजिए। याद रखना है एक पेपर पे हम कम से कम 5 या 6 चीज़ें बनाने वाले हैं। उस हिसाब से ज़्यादा छोटी भी ना लगे चीज़ें और ज़्यादा बड़ी भी ना हो। इनमें से ही कुछ चीज़ें चुन के हम इसका पार्ट 2 जो बनाएंगे, मतलब कलरिंग किस तरह करना है वो अगर हमको देखना है पार्ट 2 में, तो इसी में से कोई चीज़ चुन के हम 2 या 3 चीज़ें चुन के उनका ड्राइंग बना के हम कलर करने वाले हैं। ये देखो कितना संभाल के ड्राइंग करना है। कोई नाप लेके, कोई ऐसे बक्से बना के नहीं बनाना है, डायरेक्ट पेपर पे बना दिया तो भी चलेगा। सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जब आप पेंसिल का काम करोगे तो आप जो भी चीज़ बना रहे हो वो पेपर के हिसाब से सही लगे और आड़ी टेढ़ी ना हो। ऐसा ना लगे कि एक तरफ जाके गिर रही है, सीधी खड़ी है, ऐसा दिखना चाहिए कोई भी चीज़। एक चीज़ आप याद देख रहे होंगे, मैं फूट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि सीधी लकीर भी बनानी है, टेढ़ी लकीर भी बनानी है, तो बिना फूट के बनाने की कोशिश करें। देखो किस तरह एक पेपर पे आपको चीजें जो भी बनाओगे उसको अरेंज करना है, किस तरह बिठाना है उनको। इसको पेंसिल शेडिंग भी नहीं करनी है, सिर्फ पेंसिल से ड्राइंग बना के उसको स्केच पेन से बॉर्डर करनी है। ये हम पार्ट 1 देख रहे हैं। जब पार्ट 2 बनाएंगे उसका, तभी उसका कलरिंग का काम, इस तरह कलरिंग का तरीका रहेगा, वो सब सीखेंगे। देखो ये भी बन गया, अब इसी को भी, ये देखो ये दूसरा ड्राइंग। आपने इससे अलग बर्तन बनाए तो भी चलेगा। आपके घर में अगर अलग बर्तन है कोई, उनको सामने रख के उनको देख के बनाया तो भी चलेगा। जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है वही बनाना है। यहाँ पे आपको रोजाना जो घर में हमारे बर्तन दिखते हैं
जो बर्तन हर एक के घर में रहेंगे उसको सामने रख के ये ड्राइंग बनाए गए हैं। जो भी अब तक आपने बर्तन देखे बनाए हुए वो हर एक के घर में होते हैं। देखो कटोरी किस तरह बन रही है। जो भी पेंसिल का काम है एकदम हल्के हाथ से करना है शुरुआत में। एक बार तसल्ली हो जाए कि बनाया हुआ ड्राइंग सही है उसी के बाद उसको डार्क करना है। आप पहले से डार्क करोगे तो कोई लकीर गलत हो गई उसको मिटाने की नौबत आई तो फिर वो जल्दी नहीं मिट पाएगी। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ बना रहे हम, आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें हैं तो एक चीज़ मिटाते वक्त दूसरी चीज़ का हिस्सा भी मिट जाएगा, तो इसके लिए बहुत संभाल के काम करना है। थाली बन गई है, यहाँ पे चाय का कप, देखो एक बार तसल्ली हो जाए उसके बाद हम लोग उसको स्केच पेन से इस तरह बॉर्डर करने वाले हैं। बॉर्डर करते वक्त बहुत संभाल के करना है क्योंकि एक बार अगर पेंसिल से भी गलत हो गया तो हम कम से कम रबर से मिटा सकते हैं, लेकिन स्केच पेन का हम मिटा नहीं पाएंगे। पार्ट टू बनाने के लिए ये पार्ट वन का जो भी ड्राइंग दिखाया जा रहा है वो बनाना बहुत जरूरी है। देखो अगर स्केच पेन से लकीरें खींचते वक्त आपको कुछ लग रहा है कि ये छोटा हो गया था, ये लकीर थोड़ी बड़ी चाहिए थी, ये लकीर बहुत बड़ी हो गई छोटी चाहिए थी, वो आप डायरेक्ट स्केच पेन में कर सकते हैं। देखो बॉर्डर करते वक्त भी मैं फूट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें बिना फूट के आप ड्राइंग बनाओ। दूसरा पानी का जग, आप थोड़ा इससे अलग कोई बर्तन आपके घर पे है छोटे बड़े साइज के वो बनाने की कोशिश करें। ये देखो अभी चम्मच छोटा लग रहा था तो स्केच पेन से बनाते वक्त उसको बड़ा कर दिया, तो ये आप छोटे मोटे चेंजेस आप कर सकते हो। ये देखिए एक बार स्केच पेन से बॉर्डर हो जाएगी उसके बाद जो भी लकीर आपको पेंसिल की नहीं चाहिए थी, जो एक्स्ट्रा लकीरें हैं पेंसिल से बनी हुई, उनको आप हल्के हाथ से मिटा सकते हैं। ज़्यादा जोर देके मिटाएंगे तो स्केच पेन से बनी हुई लकीर भी मिट जाएगी। देखो इस तरह ये बन गया अपने फाइनल ड्राइंग। इस तरह आपको भी स्केच पेन से बॉर्डर करने के बाद इस तरह ड्राइंग बनाने हैं। सभी बच्चों को स्टिल लाइफ पार्ट वन, मतलब सिर्फ पेंसिल वाला जो काम है वो पार्ट वन का काम करने के लिए ऑल द बेस्ट।